तो भाई आपको तो ये पता ही होगा कि जो एसी कोच में चादर और कंबल मिलते हैं उन्हें कुछ नल्ले और छबरी बेरोजगार लोग उसे चुरा कर लेके जाते हैं। पर क्या आपको ये पता है जो चादर और कंबल चोरी होते हैं उनका पैसा कौन देता है? क्या वो पैसा रेलवे देती है? तो मैं आपको बता दूं, जो चादर और कंबल चोरी होते उसका पैसा कोई और नहीं बल्कि कोच अटेंडेंट देता है। तो कोच अटेंडेंट को एक चादर के लिए 375 रुपए देने पड़ते हैं और एक ब्लैंकेट के लिए 750। तो भाई ऐसा काम मत करो कि किसी को अपने जेब से पैसा भरना पड़े। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।